हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारी चैनल फैंटेसी क्रिकेट फ्रेंड्स पर। फ्रेंड्स, आज जो मैच के बारे में बताऊंगा वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो T10 का लास्ट मैच और फाइनल मैच यहाँ पर पख्तूनस और नॉर्दर्न वॉरियर, उसके बारे में आपको बताएंगे और एक अच्छा टीम देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो T10 का जो थर्ड प्लेस और फाइनल मैच था, मैं दोनों कवर करने का कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया और सिर्फ आपको फाइनल का अपडेट दूंगा, क्योंकि आपको पता ही है रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो लग ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फाइनल का ही अपडेट जो प्लेइंग 11 वही आपको मैं दे दूँ। और फ्रेंड्स, और एक बात सुनने को आया है, और मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन शॉट आया है यहाँ पर ड्रीम 11 आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो मेरे पास दो सजेशन है इसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि ड्रीम 11 आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो आप ग्रीन तो ड्रीम इलेवन तो आपके साथ सिर्फ ग्रैंड लीग में ही फॉट कर सकते हैं ना, तो आप वहाँ पर सिर्फ स्मॉल लीग के लिए हिट टू हिट के लिए। और एक सजेशन है, जो ड्रीम इलेवन के छोड़कर बहुत सारे ऐसे फैंटेसी ऐप है, जैसे लीग अड्डा है, बल्लेबाजी है, उसके बाद प्ले स्पॉट, हाला प्ले, जो जिसका टीम में देता हूँ प्ले स्पॉट हाला प्ले, आप उसको ट्राई करिए और विन करिए, वो बहुत ही अच्छा फैंटेसी ऐप है। और मैं तो प्ले स्पॉट और हाला प्ले आपको देता हूँ, अगर आप अभी तक प्ले स्पॉट और हाला प्ले में ज्वाइन नहीं हुआ है, अभी ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही अच्छा फैंटेसी ऐप है। और यहाँ पर हाला प्ले में ज्वाइन होती है आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, और यहाँ पर आप 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। और उसके बाद प्ले स्पॉट में भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ज्वाइन होती है आपको 25 रुपीज़ मिलेगा, और वहाँ पर भी आप 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जिस मैच के बारे में आपको बताऊँगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो पख्तूनस और जो नॉर्दर्न वॉरियर जो फाइनल मैच है, उस मैच के बारे में फिलहाल बात करते हैं और प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए पहले वो देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं प्लेइंग इलेवन क्या हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं जो नॉर्दर्न वॉरियर्स का प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एल सिमंस जो बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, और लास्ट मैच में 31 रन बनाया था, नॉट आउट था। और जो पोरान, उसके भी बहुत अच्छे फॉर्म में, और हर मैच में 40 बनाता ही है, तो हाइस्ट रन गेटर भी है इस टूर्नामेंट का पुरान, और विकेट कीपर भी है बहुत अच्छा, और 43 रन बनाया था, आपको पता है लास्ट मैच में नॉट आउट था, दोनों ही मैच जीता दिया था, उसके बाद कोई किसी को भी बैटिंग का पारी नहीं आया था। उसके बाद यहाँ पर रासेल जो हार्ड हिटर बैट्समैन, आपको पता है, और बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था लास्ट मैच में, 2 विकेट मिला था। उसके बाद पावेल है, सामी है, कैप्टन बोपारा, हैदर, उसके बाद विजुलिन जो अच्छा बॉलिंग कर रहा है, और यहाँ पर जो स्ट्राइकर बॉलर भी है नॉर्दर्न वॉरियर का, उसके बाद यहाँ पर रुआब रियाज लास्ट मैच में फॉर्म में आया, 2 विकेट भी उसको मिला था। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन है और खेरा पिरी है, तो मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि टीम चाहेगा कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन उसको ही बरकरार रखे और यही प्लेइंग इलेवन के साथ जाए, तो मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन होना चाहिए। तो फ्रेंड, अब आपको दिखा देते जो पख्तूनस का जो प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए, वो भी आपको दिखा देते फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेइंग इलेवन होना चाहिए पख्तूनस का। ये बात देखिए, जो एंड्रू फ्लेचर जो बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, ओपन करेगा डेलपॉट के साथ। यहाँ पर जो डेलपॉट है वो कभी कभी नीचे बैटिंग करने आता है, लास्ट मैच में तो ओपन किया था, लेकिन वो यहाँ पर जो है इनग्राम के जगह पे भी आ सकता है और इनग्राम ओपन भी कर सकता है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट होता रहेगा। आपको पता है ये T10 है, 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का, तो कोई भी ऊपर आ सकते हैं, कोई भी नीचे जा सकते हैं, और कोई भी नहीं भी खेल सकते, कोई बैठ सकते हैं, आपको कोई नहीं पता, कोई नहीं बोल सकते, 100% प्रेडिक्ट आप बिल्कुल नहीं कर पाते। उसके बाद यहाँ पर इनग्राम रहेगा लियाम डॉसन जो अच्छा ऑलराउंडर है, उसके बाद अफरीदी लास्ट मैच 59 बना था, बहुत अच्छा 59 का पारी खेला था और बहुत ही अच्छा खेला था। उसके बाद यहाँ पर अशरफ आएगा, उसके बाद कलेम आएगा, सोहेल खान जो अच्छा फॉर्म में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट मैच में आरपी सिंह खेला था, लेकिन उसको बहुत मार पड़ा था, उसके जगह पर नाइफ भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आरपी सिंह के खेलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि टीम जो है वो एक ही बात है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन का जाना चाहेगा। और उसके बाद यहाँ पर इरफान है जो अच्छा बॉलिंग करता है, तो मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन होना चाहिए फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं जो ड्रीम इलेवन की मैंने टीम बनाया है, वो भी आपको दिखा देते हैं, जो ग्रैंड लीग के साथ साथ आपको मैं स्मॉल लीग के बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, और अब तक जो भी सब्सक्राइब ना किया है फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं यहाँ पर जो ड्रीम इलेवन का क्या टीम है, अब दिखा देता आपको फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो टीम, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकेट कीपर का 3 ऑप्शन है, आप देख लीजिए, निकोलस पोरान है, उसके बाद सबिकुला सबिक एंड वाल्टन है। यहाँ पर तो वाल्टन तो खेलेंगे नहीं, तो रह गया यहाँ पर दो, सबिकुला सबिक और निकोलस पोरान। तो यहाँ पर आप
मैंने निकोलस पुरन को इसीलिए लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म में है और ओपन भी करता है। लेकिन सफिकुल्ला सफिक की भी अच्छा चॉइस है, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आता है और वो भी अच्छा फॉर्म में है। आप चाहे तो सफिकुल्ला सफिक को भी ले सकते हैं, यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पाँच बैट्समैन लिया है, मैंने पाँच बैट्समैन इसीलिए लिया है, इसका रीज़न ये है कि T10 है तो ज़्यादातर ऊपर का जो बैट्समैन है ओपनिंग वही लेने की कोशिश किया मैंने, क्योंकि सबको बैटिंग यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पाँच पाँच बैट्समैन मैंने लिए, कॉनी लिंग्राम, उसके बाद फ्लेचर, डेलपॉट, सिमंस एंड उसके बाद जो है यहाँ पर रोबन पावेल। आप चाहे तो यहाँ पर किसी को बैठा के ड्रेन सामी को लेना ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर तीन ऑलराउंडर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रू यहाँ पर रासेल को लिया है और उसके बाद लियाम डॉसन को लिया है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर जो कैमरन डेलपॉट है ना, इसको आप बैठा सकते हैं, इसको बैठा के यहाँ पर आप अफ्रीदी को खिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट में भी आ जाएगा, यहाँ पर आप कैमरन डेलपॉट को बैठा के यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं शाहिद अफ्रीदी को, जो आपको अच्छा ऑलराउंडर है, आपको पता है, अच्छा बोल दो बार बॉलिंग भी कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने अफ्रीदी को ड्रॉप किया यहाँ और कैमरन डेलपॉट को लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कैमरन डेलपॉट को ड्रॉप करके अफ्रीदी को ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर तीन बॉलर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद इरफान जो अच्छा बॉलिंग करता है, उसको विकेट भी मिलता है, बहुत ही अच्छा बॉलर है। उसके बाद यहाँ पर विजोलिन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस गेल को मैंने लिया है। आप चाहे तो आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद इरफान को आप बैठा सकते हैं और मोहम्मद इरफान को बैठा के आप सोहेल खान को भी ले सकते हैं, अच्छा चॉइस है वो भी। और आपको टीम प्रीव्यू भी आप दिखा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर जो टीम प्रीव्यू, यहाँ पर जो मैंने कप्तान जो है एन पुरन को बनाया हूँ क्योंकि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रहे, तो यही रीज़न है इसको कैप्टन बनाने के लिए। और जो फ्लेचर, उसको वाइस कैप्टन बनाया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आपके पास और भी चॉइस है, जैसे रासेल का बहुत अच्छा चॉइस है, आप रासेल को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिमंस का भी अच्छा चॉइस है, तो अपना अपना कैप्टन बना लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर जो यहाँ पर मैं स्मॉल लीग का यहाँ पर टीम दिया हूँ, अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर जो देख रहे हैं डेलपॉट है, उसको बैठा के डेलपॉट को बैठा के यहाँ पर अफ्रीदी को ले सकते हैं, एक चॉइस हुआ। और यहाँ पर जो पावेल है उसको भी आप बैठा सकते हैं, उसको बैठा के यहाँ पर एक बॉलर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप इमरान, यहाँ पर सोहेल को ले सकते हैं, सोहेल खान जो पावेल के बैठा के, तो आप वहाँ पे ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो आप आपको दिखा देते हैं जो प्ले स्पॉट का टीम, वो भी आपको फ्रेंड्स दिखा देते हैं फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सेम ही टीम है, यहाँ पर एंड्रू फ्लेचर, डेलपॉट, कॉलिंग इनग्राम, उसके बाद सिमोन्स एंड सेम ही है रोमन पावेल, लगभग सेम ही टीम है। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने तीन बॉलर, यहाँ पर क्रिस गेल, उसके बाद हर्डस बिजुलिन एंड यहाँ पर मैंने सोहेल खान को इसीलिए लिया क्योंकि जो मोहम्मद इरफान का, उसका क्रेडिट में नहीं आया। अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पाए तो मोहम्मद इरफान को जरूर लीजिए। और दो दो ऑलराउंडर सेम, दो ऑलराउंडर यहाँ पर एंड्रू रासेल एंड लियाम डॉसन एंड वन विकेट कीपर निकोलस पुरन। आप चाहे तो यहाँ पर एक बैट्समैन को बैठा के यहाँ पर आप अफरीदी को भी खिला सकते हैं, तो वो भी अच्छा चॉइस है, यहाँ पर अफरीदी को खिला सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो कैप्टन जो सेमी बनाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरान है, निकोलस पुरान को, उसको मैं स्टार प्लेयर बनाया हूँ। और यहाँ पर जो एंड्रू फ्लेचर, यहाँ पर मैंने उसको कप्तान बनाया हूँ। स्क्वाड भी देख लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए कि ऊपर के बैट्समैन लेने के लिए, क्योंकि T10 है, नीचे का बैट्समैन उतना मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम टीम, देख लीजिए यहाँ पर सेम टीम है। और फ्रेंड्स यहाँ आपको दिखा देते हैं जो हाला प्ले का टीम मैंने बनाया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और उसका रीज़न भी बता दीजिएगा। और जो कमेंट आप करिएगा वो मैं समझूंगा और अगले वीडियो वो जो गलती हुआ उस सुधारने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं पर हाला प्ले का जो टीम मैंने बनाया है वो भी आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो हाला प्ले का टीम, सेम टीम है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने पांच बैट्समैन के साथ दिया है। यहाँ पर देख लीजिए एंड्रू फ्लेचर, कॉलिन इनग्राम, उसके बाद यहाँ पर सिमंस, कैमरन डेलपॉट एंड यहाँ पर रोमन पावेल, सेम यहाँ पर सेम बॉलर विजुलिन, सोहेल खान एंड यहाँ पर मुझे इमरान हैदर को लेना पड़ा क्योंकि क्रेडिट, आपको पता है क्रेडिट का कितना प्रॉब्लम होता है। आप चाहे तो यहाँ पर बैट्समैन सेक्रीफाइस करके मोहम्मद इरफान को ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बैट्समैन मुझे बैट्समैन सेक्रीफाइस करना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो बैट्समैन सेक्रीफाइस करके मोहम्मद इरफान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो ऑलराउंडर सेम, दो ऑलराउंडर देख सकते हैं एंड्रू रासेल एंड लियाम डॉसन एंड उसके बाद सेम विकेट पर निकोलस पुरन। और मैं कैप्टन यहाँ पर निकोलस पुरन को बनाऊंगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको टीम प्रीव्यू भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं टीम प्रीव्यू।
अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम टीम है, यहाँ पर पूरन कैप्टन है। अब चाहे तो यहाँ पर आपके पास और भी चॉइस है, जैसे फ्लेचर का अच्छा चॉइस है, फ्लेचर को बना सकते हैं, सीमेंस का अच्छा चॉइस है, और ऑलराउंडर में रासेल भी अच्छा चॉइस है। तो फ्रेंड्स आपने अपना कैप्टन आप बना लीजिए। तो फ्रेंड्स जो भी वीडियो देना था, जो भी इन्फॉर्मेशन देना था आपको मैं दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहे मेरा वीडियो, और तब तक के लिए अलविदा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।